1 अगस्त 2019 को जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया तो इसके विरोध में कई दल और नेता खड़े हो गए। हालांकि आज 5 साल बाद जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक ट्रिपल तलाक कानून के बाद मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक के मामलों में लगभग 80% की कमी दर्ज की गई है। चंद्रपुर जिले के आदिवासी बहुल जीवती तालुका के पाटन कस्बे में 3 तलाक का एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वो भी जाने माने पत्रकार जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय दैनिक तालुका प्रतिनिधि पद पर कार्य करते हैं। पत्रकार अनवर खान ने तो हद तब पार कर दी जब उसने पाटन पुलिस थाने में ही अपनी बीवी शाहिस्ता बेगम को पुलिस कर्मी के समक्ष 3 बार तलाक देने से पुलिस प्रशासन में भी खलबली मच गई है। पीड़िता शाहिस्ता अनवर खान पढ़ी लिखी नहीं होने से उसके पति और परिजनों की प्रताड़ना के खिलाफ उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। पति अनवर खान मराठी के प्रसिद्ध दैनिक तालुका प्रतिनिधि होने की वजह से उनकी फरियाद को पुलिस थाने में भी कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। पाटन पुलिस थाने में पत्रकार होने की वजह से पति को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था। पुलिस थाने में शिकायत करने जब भी उनकी बीवी गई तो पुलिस द्वारा उनके पति को तुरंत संपर्क किया जाता और बकायदा थानेदार के कैबिन में उन्हें बुलाकर चाय की चुस्कियों के साथ रिपोर्ट की चर्चा होती और पीड़िता बाहर अपराधियों की तरह घंटों बैठकर न्याय की उम्मीद लगाए रहती। पीड़िता के पति वहीं पर पीड़िता को धमकी भरे लहजे में कहता कि तू कहीं पर भी जा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एसपी के पास जाओ या कलेक्टर के पास, मेरी पहुंच तो हर ओर है। खैर, हद तो तब हुई जब 26 फरवरी 2023 को पाटन पुलिस थाने में पीड़िता ने पति और परिवार वालों के खिलाफ शिकायत करने पहुंची तो पुलिस थाने में पीड़िता के पति को तुरंत बुलाकर उसे समझाने के बजाय पीड़िता के पति के कहने पर पीड़िता को फटकारा गया। पीड़िता के पति ने पुलिस थाने में ही थानेदार और ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के समक्ष जोर से चिल्लाकर तलाक 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 ऐसा मैं तुझे देता हूँ कहकर पीड़िता को घर न आने की हिदायत देकर गुस्से में चल बना। इस दौरान पुलिस भी मूक दर्शक होकर देखती रह गई। आपको बता दे कि पल भर में ही शाहिस्ता की जिंदगी तबाह हो गई। पीड़ित शाहिस्ता को पुलिस ने कागज देकर कहा कि आप कोर्ट में जाओ या महिला समुपदेशन केंद्र जाओ, ये परिवार का आपसी मामला है। खैर, जब शिकायत करती शाहिस्ता खान सामाजिक संगठन और नागपुर मेट्रो समाचार के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची तो 3 तलाक जैसे गंभीर मामले की दखल लेते हुए चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी से तुरंत संपर्क कर शाहिस्ता की दर्द भरी व्यथा सुनाई गई। तब उन्होंने तुरंत गढ़चांदूर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक और पाटन पुलिस थाना प्रभारी घोड़के को 3 तलाक और कौटुम्बिक हिंसाचार के मामले में तुरंत कार्यवाही के आदेश दे दिए। पुलिस ने भी शाहिस्ता की शिकायत पर भादवी 1860 के तहत कलम 498A 323 504 506 34 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कायदा 2019 कलम 4 अंतर्गत पत्रकार अनवर खान और उसके परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पुलिस में रसूख रखने वाले पत्रकार अनवर खान के खिलाफ 24 घंटे के भीतर अपराध दर्ज करने से सामाजिक संगठन की शाहिन शेख और एडवोकेट विजया बागड़े ने पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी के तुरंत कार्रवाई का समर्थन करते हुए अभिनंदन किया है और भविष्य में तलाक देने वाले व्यक्ति को 10 बार सोच कर कानून का पालन करने की सीख दी है और यदि ऐसी नहीं हुई तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की भी बात कही है। मेरा नाम शाइस्ता अनवर खान है। मैं पाटन पुलिस स्टेशन में मेरी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई थी लेकिन वहाँ पे मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा के मेरे पति को वहाँ बुला के चाय नाश्ता अच्छे से बात करा के वो जैसे मैं अपराधी वैसे बैठ के वो उनकी बातें सुनी और वो 3 बार वहाँ तलाक तलाक बोल के ठुकराई लेकर जाता बोल के चले गया और मैं वहाँ पे 2 घंटे से परेशान बैठी हुई लेकिन मेरी वहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। फिर मैं वहाँ से मैं बैठ के क्या करूँ लेकिन मैं ये सोची मैं अनपढ़ गवाह हूँ इस वजह से क्या कि ये पत्रकार है, ये लोकमत रिपोर्टर पत्रकार रहने के कारण से इसका वहाँ पे पुलिस स्टेशन में बहुत चलता, मेरी वहाँ कोई नहीं सुने
फिर मैं अकेली रहती बाहर निकल गई, लेकिन मेरी वहाँ दर्द नहीं, और वहाँ के पुलिस थाने वालों ने मेरे हाथ में एक रिपोर्ट की स्लिप दे दी हाथ में, और बोले कि आप महिला तकरार में या कोर्ट में चले जाना, और हमारे ये मियाँ बीबी का आपसी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बार बार इतने मुझे मार झोड़ है, इतनी मुझे तकलीफ है, मैं सब अत्याचार सहन करके क्यों रह रही थी बच्चों के भांति, लेकिन अभी नहीं रहना है मुझे। इतनी मार झोड़ तकलीफ, मेरे गले दबाना, मुझे मार पीट कर बाहर डाल देना, और इतना गलत इतनी गलत बातें बोल, गंदी गंदी गालियाँ देना कि मैं बता नहीं सकती कितने गंदी गंदी गालियाँ दे। एक्सेस बहुत ज़्यादा है, और ये भी पता चला है कि वो कोई बड़े न्यूज़पेपर के पत्रकार है, और वहाँ अगर न्यूज़पेपर जो हमें संरक्षण देता है, जो स्तंभ है हमारा, तो उसके माध्यम से भी हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन पेपर के ही अगर प्रतिनिधि यह सब कर रहे हैं तो ये बहुत ही संतोषजनक तो नहीं है, और बहुत ही दुखद घटना है। मैं तो कहती हूँ, अभी अभी हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया, और हम लोग बड़े अभिमान से कहते हैं कि हमारे लिए इतने कानून बने हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए रहता है, और हर एक बार अभी पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से स्पेशल फोर्स बनाया जाता है महिलाओं के संरक्षण के लिए, लेकिन पुलिस स्टेशन में ऐसी घटना होना, ये मुझे और एक किस्सा याद दिलाती है कि देसाईगंज में मथुरा रेप केस जो हुआ था वो पुलिस स्टेशन में हुआ था। तो मैं नहीं चाहती, हिस्ट्री रिपीट्स ऐसा कहा जाता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे एरिया में फिर से ऐसे पुलिस स्टेशंस में ही ऐसे गुन्हे फिर से दोहराए जाए। तो पुलिस शुड बी वेरी अलर्ट, पुलिस को भी कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस को हम हमारा मित्र मानते हैं। जो कुछ है हुआ है उसका घटना पुलिस स्टेशन के अंदर, जो साहब ने रख बोला रात भाई मैं रख दिया है, हाँ उसका ऐसा मैटर है। बहुत माराम पीटी करने के बाद साहब क्या बोला, सुबह के सुबह देखेंगे, तुम घर को चले जाओ, बोलकर मैं रात भर मेरे बहन समझकर मैं रख दिया। मैं रफीक शेख, मैं पीड़ित महिला शाइस्ता अनवर खान का छोटा भाई हूँ। 2014 में उसकी शादी हुई, तब से ही उस पर अत्याचार चालू है। बस कुछ हमारी परिस्थिति के अनुसार हम उसको मदद नहीं कर पाए, और उसके बाद में 2019 से उसके ऊपर में हमने केस किया, उसका भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसके बाद में आपसी समझौता करके उसे भेज दिए। 2022 में अगस्त महीने में भी फिर से ऐसे ही हुआ, फिर भी हमने उसको समझौता करके भेज दिए, और उसके बाद में अभी उसको और ज़्यादा अत्याचार उस पर हो रहा है। हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आते हैं, यहाँ पे हम मदद की गुहार करते हैं, तो वो लोकल पत्रकार होने की वजह से ज़्यादा फेवरेबली उसी को जा रहा है, और मेरे बहन को दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटा बिठा के रख रहे, और उसके बाद में भी उसके ऊपर में कोई भी एक्शन जो वो बोल रही है वो नहीं लेते हुए उसको यहाँ से मदद महिला तकरार में जाओ या इधर जाओ NC हाथ में दे के उसको भिजवा दे रहे। और इसके बाद में हमने क्या करना हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने कल SP साहब चंद्रपुर के पास में गए, उन्होंने इसका निवारण करते हुए DY SP नायक सर को, नायक सर के पास भेजे, वहाँ से अभी हम पाठन पुलिस स्टेशन में आए। अब देखते हैं हम यहाँ से हमको। शाइस्ता अनवर खान पठान एक लेडीज है जिसके ऊपर में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, और ये करीबन 9 साल से हो रहा है। ये ज्यूती पाठन में इनकी शादी करा के दिए थे, ये वहाँ का केस है। तो ये लेडीज मार खा के, उनके पति ने उनको खूब मारा पीटा और उनको घर से हकेल दिया। तो ये रोती, ये अबला नारी, ये जब अपनी बहन के पास में चंद्रपुर आई दियापुर वार्ड में, तो इन्होंने अब मैं कहाँ जाऊँ, तो इनको समझ में नहीं आया। तो इनको पता चला कि नहीं, एक हमारी बहन है जो वो सोशल वर्क करती है, तो वो हमारे पास आई। जब उन्होंने अपने पूरी 9 साल की कहानी का बयान, हमारे पूरी जिंदगी का उन्होंने जब वो बताया कि ये ऐसा मुझे मारता, ऐसा अत्याचार करता, तो सर हमको उनकी कहानी सुनकर हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब ये आदमी को तो अपने को सजा दिलानी है, जो ये एक लेडीज के ऊपर में इतना अत्याचार कर रहा है अपनी खुद की। और ये जबकि ये एक प्रेस रिपोर्टर है, एक अच्छा प्रतिनिधि है, अरे सारे कानून वगैरह जानने के बाद में अगर ये आरोप कर रहा है तो सर ये बहुत सख्त गुनाह है। तो इसके लिए हम कल SP साहब के पास गए थे, उनके पास में फरियाद करे कि ये आरोपी को सख्त सख्त सजा मिलना चाहिए कि एक लेडीज के ऊपर में इतना अत्याचार कर रहा है। तो सर इसके लिए हमने आवाज उठाई, SP साहब ने फिर हमको गढ़ चांदूर भेजा, वहां से फिर हम लोग ज्यूति पाठन गए, वहां पे आज हमने कंप्लेंट दर्ज कराई, और जो भी कानून के हिसाब से अब ये जो व्यक्ति को सजा मिलेगी
तो हम ये चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले कि आने वाले समय में कोई भी पति अपने पत्नी के ऊपर में इतना अत्याचार ना करे। तो ऐसा चाहे वो कोई भी कास्ट का हो या वो कोई भी हो, हम उन सब के लिए सामने आएंगे और उनको हम इंसाफ दिलाएंगे। तो यही मैं आप लोगों से तहे दिल से यही गुजारिश करती हूँ कि कोई भी ऐसी समाज की लेडीज है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए सर। पुलिस स्टेशन पाटन येथे दिनांक 18 मार्च 2023 रोजी अनवर खान याचे पत्नी इने येऊन तक्रार दिली की अनवर खान आणि त्याच्या घरातील इतर सदस्य सर्व मिळून तिला मानसिक शारीरिक त्रास देऊन तसेच तिला क्रूर वागणूक देऊन तिचा छळ करतात। तसेच तिचा पती अनवर खान याने तिला 3 वेळा तलाक तलाक असा शब्द उच्चारून तिचा बेकायदेशीर तलाक दिला। या प्रकरणी तिचे तक्रारीनुसार पोलीस स्टेशन पाटण येथे भादवी 323, 504, 506, 34, 498 प्रमाणे गुन्हा नोंद आहे। तसेच मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम 2019 चे सेक्शन 4 अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे व वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे। चंद्रपूर से सुनील तायडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।